नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में खतौली रेलवे स्टेशन हादसा, 14 डिब्बे पटरी से उतरे, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली नगर में कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। यह हादसा शाम 6:45 के आसपास घटित हुआ। इस हादसे में 23 लोगों के मरने की खबर आ रही है और 100 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। यह हादसा क्यों हुआ, इस बात की जानकारी रेल विभाग के अधिकारी ने मीडिया को दी। खतौली रेलवे स्टेशन के पास पटरियों की मरम्मत का काम चल रहा था। रेलवे ने हादसे के जांच के आदेश दे दिए हैं। इस हादसे में कौन कौन दोषी है, ये सब जाँच के बाद सामने आ जाएगा। एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 18,477 पुरी से हरिद्वार के बीच चल रही थी। डिब्बे एक दूसरे में बुरी तरह फंस गए। ट्रेन के अंदर बोगी में फंसी डेड बॉडीज को गैस कटर से काटकर बाहर निकाला गया। अब हम आपको बताते हैं कि स्थानीय लोगों ने क्या कहा। हादसे के बाद वहां रहने वाले जो निवासी हैं, उन्होंने कहा, जब हमने ट्रेन को देखा तो वो बहुत तेज़ी से आ रही थी। ट्रेन की स्पीड बहुत तेज़ थी। रेल ट्रैक पर 2-3 दिन से काम चल रहा था। सैटरडे को भी काम चल रहा था। अब हम आपको बताते हैं कि एक ऑडियो क्लिप जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। खबर आ रही है कि एक गेटमैन ट्रेन हादसे के पास खड़ा हुआ था और रेल कर्मचारी से बातें कर रहा था। दोनों ने क्या बात की, यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो क्लिप में गेटमैन बोल रहा है कि ट्रेन की पटरियां टूटी हुई है, उसे जोड़ा नहीं गया है। टूटी हुई पटरियों के पास कोई भी लाल कलर का झंडा नहीं लगाया गया है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।